हाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपसे हम कलाम होकर अदबी सिलसिले को आगे बढ़ाना हूँ। शिमाली हिंद में उर्दू शायरी के आगाज और संतो रफ्तार को मौजू बनाकर हम पिछले चंद दिनों में गुफ्तगू कर चुके हैं और ये सिलसिला मुतवातिर जारी है। और आज हम मोहम्मद शाह के ज़माने के मशहूर शायर अंजाम के ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद शाह के ज़माने में अंजाम इलाहाबाद के सूबेदार की हैसियत से अपनी खिदमात की अंजाम दही में मसरूफ थे। दरबार मोहम्मद शाह के बासर अमीर थे। उन्होंने जमाने की सोहबत को देखते हुए, जमाने के लोगों को देखते हुए अपने कलाम में तब्दीली पैदा की। ज़बान व बयान के मामले में बहुत शोहरत याफ्ता थे। सफाई और तरक्की की कोशिश ज़बान में किया करते थे। कहा जाता है कि वो अपने ज़माने की एक ऐसी अंजुमन के सलाहकार थे जो ज़बान की इस्लाह और सही इस्तेमाल के लिए नव वारिदान अदब की तरबियत का काम करती और वहाँ उलमा फ़ज़ला ज़बान मुहावरात ज़र्बुल मसल इल्मे बदी वगैरह जैसे मौजूआत पर बहस व तमहीस किया करते थे, जिससे लोगों को अपने कलाम में इस्लाह का मौका मिल जाता था। ये एक तरह की तरबियत गाह थी, मजलिसी इल्म का एक जरिया था। वो सिर्फ अरबी, फारसी और उर्दू के ही आलिम नहीं थे, बल्कि संस्कृत और उर्दू पर भी, अरबी फारसी के अलावा संस्कृत और हिंदी पर भी उनको उबूर हासिल था। मोहम्मद शाह के इशारे पर बकौल अजीमुल जुनेदी 1742 में आप कत्ल किए गए। आपके कलाम में जो जबान की लताफत, बयान की नुदरत और मुहावरात और तशबीहात का बरमहल इस्तेमाल किया गया है, वो इस जमाने में और कहीं देखने को नहीं मिलता। कुल मुहीते इश्क के सदमों से पानी थी नजात, पाई थी नजात, कश्ती ये दिल बे तरह कुछ आज तूफानी हुई। दूर से आए थे साफी सुन के मैखाने को हम, पर तेरे सते ही चले एक पैमाने को। ये इस तरह के अशआर हैं जो उनकी शायरी की खूबियों को बखूबी जाहिर करते हैं। इन अशआर की निसाकत से हम आपके कलाम की नुदरत, सफाई और इस्तेलाहात जो इस्तेमाल की गई हैं उनसे बखूबी वाकफियत हासिल कर सकते हैं।
उर्दू अदब की तारीख में आपका इसमें ग्रामी काबिल कदर और काबिल ताज़ीम हैसियत रखता है।